नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्वेश चौहान, साइकोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट सूरत से। आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए क्या चीजें जवाबदार रहती है, क्या तीन कारण जवाबदार रहते हैं, तो उसके ऊपर ही मैं बात करने के लिए आया हूँ। पहला तो एक कि मैं खुद, यानी मैं आपको ये बताऊं कि मुझे उदासी फील हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे थकान फील हो रही है, मुझे नकारात्मक सोच आती है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में ये जरूर सोचने लगता हूं कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। पर उसकी समझ मुझे नहीं है कि उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और मैं उसको ज्यादा नजरअंदाज नहीं करता या अपने आप से उसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूं, पर ये हो नहीं पाता। और जब ये बढ़ता जाता है तब मैं अपने फैमिली को इन्वॉल्व करता हूं और फैमिली को बताता हूं कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, नकारात्मक सोच बहुत आती है, कुछ करने का मन नहीं होता, कुछ चिड़चिड़ स्वभाव सा हो गया है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। और फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम चिल मारो, फ्रेंड्स को मिलो, जो अच्छा लगता है वो करो ना, वो सब कुछ चीजें करो, पर ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये तो यही बात हुई कि मुझे फीवर है, मुझे बुखार आ रहा है, पर फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुम अपने आप से वो बुखार को कंट्रोल करो, जाओ चिल मारो, तुम ज्यादा मत सोचो, पर वो सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण एक बात, जहां पे घर वाले भी समझ गए कि ना वो खुद से सही होता है, ना हम उसको हेल्प कर पा रहे, तब हमें कोई डॉक्टर को मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, पर ये सही इतना ही नहीं है, क्योंकि हम जो ये सिचुएशन में अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तब हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये एक बात है कि डॉक्टर के पास जाना, और दूसरी बात ये है कि उस फील्ड में एक्सपर्ट के पास जाना। तो यहाँ पे कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट और साइकेटिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है। अगर ये हम ये समझे कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है और मैं कहीं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहा हूं, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, हमको पता ही है कि ये नहीं होगा। तो हम उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाना, यानी हम अपना खुद का मेंटल हेल्थ चेक करवाने के लिए जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ यार, ये तो सिर्फ उदासी ही है, और या फिर ये डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन में से बाहर निकला जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग है, प्रॉपर दवाई है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, पर ये इतना भी गंभीर नहीं है। अगर वो उदासी को मैं समझ लेता हूँ तो वो ज्यादा इतना गंभीर नहीं है। पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 4 में से 1 लोग डिप्रेशन के शिकार है। तो कहीं ना कहीं जब ये उदासी बढ़ती जाती है, तब मुझे ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये उदासी डिप्रेशन का एक नाम ना ले ले। तो इसीलिए ही मुझे एक अच्छे डॉक्टर्स, यानी अच्छे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर या अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। ये 3 चीज अगर मैं समझ लेता हूं, तब मैं मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस को भी रोक लेता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि ये जब भी मुझे तनाव फील होता है, तब मैं अपने एक्सपर्ट को मिलूं और ये तनाव को ना बढ़ने दूं। तो यही और इस चीज के बारे में, यानी मेंटल हेल्थ के बारे में हम मिलते रहेंगे। तो ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।